तो मूवी के स्टार्ट में हम एक टैटू शॉप देखते हैं, जहां एक ओल्ड टैटू आर्टिस्ट एक गैंगस्टर पे टैटू बना रहा था। टैटू आर्टिस्ट उसे कहता है कि हर टैटू स्किन की नेचर के बारे में बताता है कि ये स्किन किसी जंगजू की है, किसी कलाकार की है या फिर किसी किसान की। और अगर टैटू बनाते हुए नीडल से आपको दर्द महसूस हो तो इसका ये मतलब होता है कि जो रास्ता आपने चुना है वो आपके लिए ठीक नहीं है। अब गैंगस्टर टैटू आर्टिस्ट को कहता है कि ऐसे तुम मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते। तभी गैंगस्टर का एक आदमी उसे आकर कहता है कि आपके लिए एक लेटर आया है। लेटर को खोलने पर उसमें से काली रेत निकलती है। अब ओल्ड आर्टिस्ट इस सैंड को देखकर शॉक हो जाता है। वो कहता है कि सालों पहले मैंने सेम एनवेलप में ऐसी रेत देखी थी और वो लोग भी तुम लोगों की तरह ही हंस रहे थे, लेकिन तभी वहाँ एक शेडो निंजा आया जिसने उन सबको मार दिया। अब गैंगस्टर हंसते हुए उसे कहता है कि तुम कितने डरपोक हो। फिर आर्टिस्ट उसे अपनी चेस्ट पे एक निशान दिखाता है जो कि निंजास जैसा था। फिर आर्टिस्ट कहता है कि मेरा दिल राइट साइड पे है, अगर लेफ्ट साइड पे होता तो आज मैं जिंदा ना होता। ये देखकर गैंगस्टर्स उस ओल्ड टैटू आर्टिस्ट का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी वहाँ एक गैंगस्टर का सर उसके धड़ से अलग हो जाता है। सभी गैंगस्टर्स ये देखकर बहुत शॉक हो जाते हैं और फिर अलर्ट हो जाते हैं। फिर ऊपर से एक वायर नीचे आती है और एक गैंगस्टर को ऊपर खींच लेती है और नीचे गिरने पर उस आदमी के टुकड़े हो जाते हैं। अब सभी गैंगस्टर्स अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं और फिर बारी बारी वो सब गैंगस्टर्स मरने लगते हैं। आखिर में जब उनका लीडर बच जाता है तो वो ऊंची आवाज में कहता है कि तुम कौन हो, बस तुम मेरे सामने आ जाओ, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। फिर एक शेडो से निंजा बाहर निकलता है और उस गैंगस्टर को मार देता है। ये निंजा जापान के सबसे बड़े निंजा क्लैन ओज़ुनु से था और फिर हमें ओज़ुनु क्लैन के बारे में पता चलता है, जिनके लीडर का नाम लॉर्ड ओज़ुनु है, जो कि दुनिया भर से छोटे बच्चों को इकट्ठा करके उनको ट्रेनिंग देता था और निंजा बनाता था। इस निंजा क्लैन के दुनिया के सब बड़े और पावरफुल लोगों से कॉन्टेक्ट हैं और कोई भी इनको 100 kg सोना देकर किसी भी इंसान का मर्डर करवा सकता था। इस क्लैन के सभी लोग शेडो निंजास होते हैं जो कि अपने ऑपरेशंस डार्कनेस यानी के अंधेरे में करते हैं। फिर हमें पता चलता है कि इन निंजास ने ही जापान के प्राइम मिनिस्टर और रशिया के प्रेसिडेंट का भी मर्डर किया था। फिर एक दिन लॉर्ड ओज़ुनु राइजो नामी एक छोटे बच्चे को अपने पास बुलाता है। इस बच्चे के माँ बाप ने उसे बचपन में ही बाहर छोड़ दिया था, लेकिन ओज़ुनु ने राइजो को अपने क्लैन में शामिल कर लिया क्योंकि उसे लगता था कि ये बच्चा मेरे बाद इन सब का लीडर बन सकता है। ओज़ुनु राइजो को सख्त से सख्त ट्रेनिंग देने लगा और वो जब भी कोई गलती करता था तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलती थी। वो राइजो को कहता है कि निंजास को हमेशा आवाज किए बगैर चलना चाहिए और इसके लिए वो उसे लकड़ी पर चलाता था और जरा सी आवाज आने पर भी वो उसके पैरों पे स्टिक से मारा करता था। फिर राइजो रात में सोने की कोशिश कर रहा था पर पैरों में दर्द होने की वजह से उसको नींद नहीं आ रही थी। फिर वहाँ पर किरिको नामी एक छोटी लड़की आती है और उसके पैरों पर ऑइंटमेंट लगाती है। किरिको भी एक निंजा ट्रेनी थी। ओज़ुनु का मानना था कि निंजास में कोई भी इमोशन नहीं होना चाहिए, लेकिन किरिको को लोगों को मारना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। राइजो के साथ साथ वहाँ सभी बच्चों को शार्प वेपन से लड़ना सिखाया जाता था और जब उनकी आपस में फाइट होती थी तो उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती थी। राइजो अपनी ट्रेनिंग में कड़ी मेहनत करता था और वन बाय वन वो ये फाइटिंग राउंड्स जीतता जाता था। फिर खाना खाते वक्त ओज़ुनु उन्हें कहता है कि अपनी बॉडी को ऐसा बनाओ कि वो तुम्हारी मर्जी से चले, इसलिए अपनी बॉडी के एक एक हिस्से पर काबू पा लो। फिर वो उन्हें कहता है कि आज रात पेट भर खाना खा लो क्योंकि कल तुम लोगों को बहुत ज्यादा काम करना है। इसके बाद हम राइजो को देखते हैं जो कि बड़ा हो चुका है और वो अपनी ये सब बातें याद कर रहा था। फिर हम नेक्स्ट सीन में बर्लिन का एक हेडक्वार्टर देखते हैं जहाँ पे निंजास के केस की डिस्कशन हो रही थी। वहाँ एक मीका नामी फोरेंसिक रिसर्चर बताती है कि मेरे पास निंजास की एग्जिस्टेंस का सॉलिड प्रूफ है। मीका उसे कहती है कि मेरा दूसरी कंट्री में एक फ्रेंड है जिसको इस केस के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है और ये सारी इन्फॉर्मेशन भी उसी ने मुझे दी है और उसकी नॉलेज ये बात कहती है कि बहुत से पॉलिटिकल मर्डर्स एक बहुत पुराने क्लैन ने किए हैं। फिर ये एजेंट उसे कहता है कि तुम इस बारे में और भी पता लगाओ। फिर मॉस्लो कहता है कि मेरा एक ओल्ड फ्रेंड था और वो भी इसी केस पे स्टडी कर रहा था पर उसे पागल साबित करके इस काम से किक आउट कर दिया गया और फिर उसका मर्डर हो गया। अब अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होगा और जिन्होंने उसका मर्डर किया उनको निंजास कहते हैं। फिर वो उसे कहता है कि
तुम एक बहुत अच्छी रिसर्चर हो और तुम इस काम में खूब तरक्की करोगी। इसके बाद हम देखते हैं कि राइजो भी बर्लिन शहर में ही है। वो एक घर में अकेला रहता था और रोज अपनी ट्रेनिंग किया करता था। फिर वो अपने कपड़े धोने के लिए जाता है और वहाँ उसे एक लड़की मिलती है। राइजो उसे देखते ही जान गया था कि वो भी एक निंजा है और फिर उनमें फाइट स्टार्ट हो जाती है। फिर राइजो लड़की को वॉशिंग मशीन में डाल देता है और लड़की मशीन में घूम घूम के मर जाती है। दूसरी तरफ हम मीका को देखते हैं जो उसी मरे हुए एजेंट के घर में जाकर उसकी वाइफ से मिलती है। वो औरत कहती है कि मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा था, लेकिन वो निंजा से इतना डर गया था कि हमेशा पूरे घर में रोशनी रखता था और कभी भी अंधेरे वाली जगह पर नहीं जाता था ताकि वो निंजा आके उस पे अटैक ना कर दें। लेकिन जिस रात वो निंजा उसको मारने के लिए आए तो लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑफ हो गई। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीका एजेंट की वाइफ के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी। फिर वहाँ एक ऑफिसर आकर उससे एजेंट मॉस्लो के बारे में पूछता है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या कभी तुम्हें उसके बिहेवियर में कोई चेंजेस नजर आए हैं, कोई ऐसी बात जो तुम्हें बहुत अजीब लगी हो। मीका कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग साथ काम करते हैं और कभी कभी साथ लंच कर लिया करते हैं। इसके बाद मीका मॉस्लो से मिलती है और उसे सारी बात बताती है कि वो एजेंट आपके बारे में पूछ रहा था। मॉस्लो से कहता है कि हमें एक एक कदम बहुत ध्यान से उठाना होगा और मुझसे पूछे बगैर तुम कुछ भी मत करना। फिर मीका जब रात में घर जाती है तो देखती है कि वहाँ पे सभी लाइट्स ऑफ हैं और फिर उसके घर में एंटर होते ही एक निंजा उस पे अटैक कर देता है। लेकिन तभी वहाँ एक और निंजा आया और उसने उसकी जान बचा ली और ये निंजा था राइजो। फिर हमें पता चलता है कि एक मिशन कंप्लीट करने के बाद राइजो का लॉर्ड ओजुनू के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। राइजो ने उस पे अटैक करके उसके चेहरे को नाइफ से कट कर दिया था। फिर बाकी निंजास ने उस पर काउंटर अटैक किया। राइजो ने पानी में जंप करके अपनी जान बचाई और उस दिन से वो निंजास के खिलाफ काम करने लगा और इसी वजह से उसने मीका की भी जान बचाई। फिर वो दोनों एक होटल में जाकर अपने कपड़े चेंज करते हैं क्योंकि निंजास की सूंघने की हिस बहुत तेज होती है जिसको वो यूज करके अपने शिकार तक जल्दी पहुंच सकते हैं। फिर मीका की मॉस्लो से कॉल पे बात होती है। वो उसे बताती है कि अब राइजो भी हमारे साथ है और वो भी निंजास के खिलाफ काम कर रहा है। लेकिन मॉस्लो को अपने डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्डर्स थे कि उसे राइजो को अरेस्ट करना ही होगा। और फिर जब वो उन दोनों से मिलता है तभी वहाँ बहुत से पुलिस ऑफिसर्स आकर राइजो को पकड़ लेते हैं और फिर उसे जेल में कैद करके जंजीरों से बांध देते हैं। फिर मीका को पता चलता है कि इस सब के पीछे मॉस्लो का हाथ है। वो उसे कहती है कि तुम उसे छोड़ दो, लेकिन मॉस्लो कहता है कि राइजो यहाँ पर सेफ रहेगा क्योंकि उसकी जान को खतरा है। फिर रात में मीका राइजो के पास जाती है और उसे पीने के लिए पानी देती है। तभी राइजो उसे कहता है कि निंजास यहाँ कभी भी आ सकते हैं। अब ये बात बताने के लिए वो जल्दी से मॉस्लो के पास जाती है कि तभी सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और फिर बहुत से निंजास आकर पुलिस ऑफिसर्स पर अटैक करने लगते हैं। अब मीका जल्दी से राइजो की चेन्स खोलती है और उसे फ्री कर देती है। अब राइजो भी निंजास से लड़ने लगता है और मीका को कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। अब राइजो उनसे फाइट करने में अपनी जी जान लगा देता है। अब एंड में एक निंजा तकाशी बच जाता है। वो राइजो को मारने ही वाला था कि तभी मीका उसे अपनी कार से हिट करके राइजो की जान बचा लेती है। राइजो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था इसलिए मीका उसे होटल में ले जाती है। फिर वो उसे कहती है थैंक यू राइजो, तुमने मेरी जान बचाई। फिर वो अपना एक ट्रैकर ऑन करती है ताकि मॉस्लो को उनकी लोकेशन का पता चल सके क्योंकि राइजो की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उसे जल्दी से जल्दी डॉक्टर्स की जरूरत थी। मगर उनके आने से पहले वहाँ निंजास पहुँच जाते हैं और वो राइजो को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। और पुलिस जब वहाँ पहुँचती है तो वहाँ सिर्फ मीका ही बैठी हुई थी। वो उन्हें बताती है कि कुछ देर पहले बहुत सारे निंजास आए और वो राइजो को ले गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि निंजास राइजो को ओजुनू के पास लेकर आते हैं। फिर राइजो उसे कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, अगर तुम मुझसे माफी मांग लोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन राइजो माफी मांगने से इनकार कर देता है। फिर ओजुनू सबको कहता है कि आज इसकी मौत को सब देखेंगे और जो गद्दारी इसने हमारे साथ की ये बात लोग सालों तक याद रखेंगे। इसके बाद वो राइजो के पेट में बार बार अपनी फिंगर स्टैप करता है लेकिन राइजो अभी भी माफी मांगने को तैयार नहीं था। बस वो चीख रहा था और दर्द बर्दाश्त कर रहा था। लेकिन फिर वहाँ मॉस्लो के बंदे आ जाते हैं और उन पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। फिर मीका राइजो के पास आती है और उसे फ्री करती है और इस दौरान बाकी के ऑफिसर्स निंजास से फाइट कर रहे थे। इसके बाद राइजो उस जगह पर जाता है जहाँ वो ट्रेनिंग किया करता था और फिर वहाँ वो निंजास भी आ जाते हैं जिनके साथ वो बचपन में ट्रेनिंग किया करता था।
और फिर उनमें फाइट होने लगती है। राइजो उन सभी निंजा से अकेले लड़ रहा था, वो भी बहुत ज्यादा बहादुरी से। राइजो को देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे वो बिजली की रफ्तार से लड़ रहा है, और फिर वो बारी बारी उन सबको मार देता है और लास्ट में एक शार्प वेपन आखिरी निंजा की नेक में घुसा देता है। इसके बाद वो लॉर्ड उज़ुनु को कन्फ्रंट करता है और वो उसी वुडन प्लेस पे खड़े थे जहाँ उज़ुनु उसे साइलेंटली चलने के लिए कहता था और शोर होने पर उसे पनिश किया करता था। लेकिन उज़ुनु भी आखिर निंजास का मास्टर था और फाइट के दौरान राइजो की स्किल्स उसके सामने वीक पड़ रही थी। शुरू में तो उज़ुनु उसे बहुत मारता है, लेकिन फिर राइजो उठकर बहुत स्पीड से अपनी जगह स्विच करने लगता है और ऐसा करने से उज़ुनु कंफ्यूज हो चुका था कि वो अटैक करे तो करे कहाँ। लेकिन अचानक मीका वहाँ आ जाती है और उज़ुनु मीका को मार देता है। अब राइजो गुस्से में आकर उज़ुनु पर स्वॉर्ड से अटैक करता है और उसका किस्सा खत्म कर देता है। फिर उसे पता चलता है कि मीका अभी जिंदा है और वो उसे उठाकर जाने लगता है। और चलते हुए वो अपने पास्ट की एक बात याद कर रहा था जिसमें किरिको उसे कह रही थी कि दोनों साथ में यहाँ से भाग जाते हैं। दी एंड। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टेक केयर स्टनर्स एंड बाय बाय।